डायरेक्टर इम्तियाज अली की ब्लॉकबस्टर फिल्म जब वी मेट में करीना और शाहिद की जोड़ी हिट हो गई थी। हालांकि ये बात कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद शाहिद नहीं बल्कि बॉबी देओल थे। एक इंटरव्यू में खुद बॉबी ने बताया था कि फिल्म जब वी मेट के लिए करीना ने खुद शाहिद के नाम की पैरवी की थी, जिसकी वजह से यह फिल्म उन्हें मिल गई। बॉबी देओल के मुताबिक, जब से उन्होंने इम्तियाज अली की मूवी सोचा न था देखी, तभी से उनके फैन हो गए थे। जब वो फिल्म जब वी मेट करना चाहते थे तो उसका नाम गीत था। इस फिल्म के लिए बॉबी ने इम्तियाज अली और फिल्म के प्रोडक्शन हाउस अष्टविनायक से भी बातचीत की थी। हालांकि प्रोडक्शन हाउस ने इसे एक एक सस्पेंसिव महंगी फिल्म बताते हुए बाद में इसे बनाने से इनकार कर दिया। उधर करीना भी बाद में इम्तियाज से नहीं मिली। बाद में करीब 6 महीने बॉबी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब यह फिल्म जब वी मेट के नाम से शुरू हुई, लेकिन तब इसमें उनकी जगह करीना के एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर को लिया जा चुका था। बॉबी देओल को आज भी इस बात का मलाल है कि अगर करीना ने उनका करियर बर्बाद नहीं किया होता तो शायद वो आज कहीं और होते।